फुटबॉल कोचेस के बारे में। कौन थे वो जिन्होंने खिलाड़ियों को बूट्स पहनकर खेलने की सलाह दी? किस कोच को उसके पद से बर्खास्त कर दिया गया था? इसी साल आने वाली अजय देवगन सारा फिल्म मैदान एक पूर्व फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की कहानी पर आधारित है, जिसमें अजय रहीम का किरदार निभाते दिखेंगे। भारत के फुटबॉल के इतिहास में यूं तो कई कोच बने, पर आइए आज आप हमको बताते हैं पांच सर्वश्रेष्ठ कोचेस के बारे में। सैयद अब्दुल रहीम, कहा जाता है कि इंडिया से आए सैयद बेस्ट कोच रहे और उनकी जो कोचशिप है उसके दौरान इंडिया ने विश्व भर में फुटबॉल में अपना नाम बनाया। हैदराबाद सिटी की टीम को कोच करते करते वह नेशनल टीम के कोच बन गए। साल 1951 और 1962 में दो बार उनकी टीम ने एशियन गेम्स में भारत को गोल्ड जिताया। पेशे से टीचर रहीम को एक बेहद ही जो है हमारी स्ट्रिक्ट और नियमित कोच कहा जाता था। उन्होंने ही टीम इंडिया के नंगे पैरों की जगह बूट से खेलने की मदद की। कहा जाता है कि 1958 में वर्ल्ड कप में ब्राजीलियन द्वारा इस्तेमाल किया गया 4-2-4 उन्होंने ही पहले इजाजत दी थी। पीके बैनर्जी, अपनी जनरेशन और आगे की कई जनरेशन के बेशक ही वो एक बेस्ट फुटबॉलर और कोच थे। 1950s के दौरान वे अब्दुल रहीम की नेशनल टीम के प्लेयर थे। उन्होंने 1970 के एशियन गेम्स में भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताया, जो देश का एक आखिरी मेडल था। अपने खिलाड़ियों के बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवाने के लिए वे बहुत ज्यादा मशहूर थे। अमल दत्ता, अपने दिनों में अमल एक मिडफील्डर थे, जहां उन्हें ज्यादा तरक्की नहीं आती थी, पर जब वे कोच बने तब उन्हें नाम, पहचान और सम्मान मिला। अपनी जो हमारी टैक्टिक्स है और खेल को लेकर अपनी समझ के लिए वे मशहूर थे। हालांकि कुछ कारणों के चलते उन्होंने केवल एक ही साल जो है नेशनल टीम को कोच किया। कोलकाता के तीन बड़े खेल मोहन बगान, ईस्ट बंगाल और मोहम्मद सपोर्टिंग में उन्होंने कुल मिलाकर 39 ट्रॉफी जीती। 60 के दशक में इंग्लैंड जाकर एक साल को कोचिंग कोर्स करने के लौटने के बाद वह पहले व्यक्ति थे और भारत वापस आकर वह फुल टाइम कोच बने। भारत में 4-4-2 और 3-4-3 की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। शायद नईमुद्दीन, अपने खेल के दिनों में क्लब और देश के लिए वह एक क्लासिक डिफेंडर थे, पर जब एक हादसे के कारण उनको खेलने के दौर खत्म हुआ तब वह कोच बने। आंध्र पुलिस की टीम में रहीम ने उन्हें काफी मेंटोर किया था, जिसके बाद उन्होंने भारत और विदेश में जाकर कई कोचिंग क्लासेस भी ली। मोहम्मद सपोर्टिंग में एक सफल कोच बनने के बाद 1987 में उन्हें नेशनल टीम का कोच बनाया गया, पर उनके तरीका बहुत बकवास कहा जाता था। अरमोंडो कोल्को, गोवा में जन्मे कोल्को ने अपने पहले ही कोचिंग जो है हमारी उनके डेम्पो एससी को शताब्दी की सबसे सफल टीमों में से बना दिया था। उन्हें ही कोचिंग में डेम्पो ने दो बार नेशनल फुटबॉल लीग, तीन बार आई लीग फेडरेशन कप, डेरिंडू कप और दो बार सुपर कप भी जीता। 2008 में हुए एएफसी कप के जो सेमीफाइनल तक भी उनकी यह टीम पहुंची थी। मैनेजमेंट से हुई सुहासनी के बाद को 2013 में डेम्पो के बीच के पद से हटा दिया गया और एक समय के बाद उन्हें ईस्ट बंगाल से ही बर्खास्त कर। बहरहाल आपको बता दें, अमित शर्मा द्वारा निर्देशित यह फिल्म 15 अक्टूबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। धन्यवाद, मेरा नाम है पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है ऋचा गर्ग ने।